सरस्वती पूजा को लेकर गुरुवार को खोदावंदपुर थाना परिसर में मंझौल एसडीएम ई मुकेश कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बोलते हुए एसडीएम ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, सामाजिक व राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही सरस्वती पूजा मनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी व्यक्ति को पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, साथ ही पूजा स्थलों पर तोरण द्वार एवं पंडाल निर्माण करने पर भी रोक लगा दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करते पकड़ा गया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं जनप्रतिनिधियों के सवाल पर एसडीएम ने कहा कि सरस्वती पूजा के दौरान जिन लोगों के विरुद्ध धारा 107 लगाया गया है वो मंझौल ना जाकर खोदावंदपुर थाना में ही अपना बॉन्ड भर दे। उन्होंने थाना अध्यक्ष को उन लोगों से बॉन्ड भरवाने का निर्देश दिया ताकि वो लोग परेशानी से बच सके। वहीं एसडीपीओ सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा कि पूजा के दौरान जुलूस निकालने एवं डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगी। उन्होंने पूजा समिति के सदस्यों के अलावे अन्य लोगों को भी आगामी 6 फरवरी को हर हाल में प्रतिमा का विसर्जन कर लेने की बात कही। साथ ही प्रतिमा का विसर्जन स्थानीय तालाबों व पोखरों में करवाना पंचायत प्रतिनिधियों की जवाबदेही बताया। बैठक में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह, मुखिया बाबू प्रसाद वर्मा, पुरुषोत्तम सिंह, इरशाद आलम, उमा कुमार चौधरी, माजिद हुसैन, सरपंच नवीन प्रसाद यादव, नैयर आलम, पंसस अंजना कुमारी, समाजसेवी विवेक कुमार मंतोष, अवधेश कुमार, मनीष सिंह, अशोक महतो, अश्विनी प्रसाद सिंह, मदन सहनी, मोहम्मद सैफी, कैलाश यादव सहित अनेक लोग मौजूद थे। बेगूसराय के खोदावंदपुर से राजेश कुमार की खास रिपोर्ट। सिर्फ एक जगह ध्यान देना, भसान पे, और कहीं कुछ होता नहीं है। भसान पर एक प्रति पैनी नजर रखना होगा और बिल्कुल शांति बना रहेगा। ये खोदावंदपुर का